সভার কাছে আমি রাখলাম এই উদ্দেশ্যের উপরেই এখন আমাদের বিচার ধারার কার্যক্রম মাননীয় প্রেম কুমার গ্যাডাম সাহেব আমাদের সামনে উনি আমাদেরকে জানকারি দিবেন আমরা সকলে এই জানকারি শুনব শোনার পর আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন করার থাকে কিছু জানার আপনারা প্রশ্ন করবেন উনি প্রশ্ন জবাব দিবেন এরপরে উনি ওনার যে নেক্সট প্রোগ্রাম আছে ওনার গন্তব্যস্থল থেকে উনি রওনা হয়ে যাবেন যাই হোক এটুকুই বলে আমি আপনার আমার কথা আমি এখানে সমাপ্ত করলাম ধন্যবাদ साथियों समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई उन सभी महापुरुषों को मेरा अभिवादन और आप लोगों का भी अभिवादन कि आप लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथियों मैं 11 दिसंबर से आपका पश्चिम बंगाल घूम रहा हूँ। कलकत्ता से मेरी जर्नी शुरू हुई और आज मैं उत्तर दिनाजपुर में हूँ। कल मेरा बालूरघाट में कार्यक्रम है, फिर मालदा में है, फिर 13-14 को मैं कलकत्ता में हूँ और 16-17 को फिर मैं जलपाईगुड़ी में हूँ। ऐसा 31 दिसंबर तक पूरे बंगाल का हमने शेड्यूल बनाया और कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने की और जो लोग सोशली मोटिवेट है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उन लोगों के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। साथियों 1978 में 1978 में बामसेप बना। बामसेप जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है BAMCEF जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है बी फॉर बैकवर्ड यानी SC ST OBC, ए फॉर एंड, एम फॉर माइनॉरिटी, सी फॉर कम्युनिटीज, ई फॉर एम्प्लॉयज और एफ फॉर फेडरेशन यानी दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। साथियों ये संगठन 1978 में निर्माण हुआ, ये एम्प्लॉय लोगों का फेडरेशन है, ये कर्मचारी लोगों का संगठन है, लेकिन भारत का ये एकमात्र संगठन है जो कर्मचारियों का होने के बावजूद भी कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता है। ये संगठन कर्मचारियों का है लेकिन कर्मचारियों के लिए ये संगठन कार्य नहीं करता है, लेकिन देश भर के लाखों कर्मचारी इस संगठन के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मैंने दो बातें बताई, पहली बात बताई कि ये कर्मचारियों का संगठन है लेकिन कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता, और मैंने दूसरी बात बताई कि ये कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता फिर भी देश भर के कर्मचारी संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं। साथियों बामसेप 1978 में निर्माण हुआ, माननीय काशीराम साहब, दीना भाना जी और खापरडे साहब। काशीराम साहब पंजाब के थे, दीना भाना जी राजस्थान के थे और खापरडे साहब जो है वो महाराष्ट्र के थे। ये तीनों भी एक दूसरे में ब्लड रिलेशन में नहीं थे, एक राज्य के भी नहीं थे, एक जिला के भी नहीं थे, अलग अलग राज्य के थे, अलग अलग जाति के थे, लेकिन जहां पर नौकरी करते थे महाराष्ट्र पुणे में एक कंपनी के एम्प्लॉय थे। भले ही ये अलग अलग राज्य के थे, अलग अलग जाति के थे, ब्लड रिलेशन में नहीं थे, लेकिन जहां पर नौकरी करते थे वो एक कंपनी के एम्प्लॉय थे।
साथियों जो भी संगठन बना तो देश भर में मानवर काशीराम साहब ने जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कर्मचारियों को जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जब काशीराम साहब पूरे देश भर में घूमे और 1984 तक ये संगठन बाम से 13 राज्य और 114 जिलों का संगठन बना 1984 तक। 1984 में बामसेप 13 राज्यों का संगठन था, 114 जिलों का संगठन था और 84 में मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई बसपा। अब बसपा ये पॉलिटिकली पार्टी है, बामसेप ये एम्प्लॉय लोगों का संगठन है और एम्प्लॉय लोगों को सिविल कंडक्ट रूल लागू होता है, वो किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते ना ही उसके स्टेज पर जा सकते। बंगाल में थोड़ी अलग परिस्थिति है कि टीचरों के लिए ये सुविधा दी गई है बट सिविल कंडक्ट रूल ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता। अब काशीराम साहब ने जैसे ही पॉलिटिकली पार्टी बनाई तो वे बामसेप नहीं चला सकते थे और तब माननीय वामन मेश्राम साहब महाराष्ट्र में नांदेड़ बीएसएनएल में नौकरी कर रहे थे। जब 1978 में संगठन बना तब वामन मेश्राम साहब जो वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो मिलिंद विद्यालय बनाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में, उस मिलिंद विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते करते इस संगठन से वे जुड़े, 78 में ही जुड़े। और 84 में जैसे ही काशीराम साहब ने बसपा बनाई तो खापरडे साहब ने वामन मेश्राम साहब के सामने प्रस्ताव रखा, तब मेश्राम साहब नौकरी पर लगे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और खापरडे साहब ने कहा कि आपको नौकरी छोड़नी होगी। इस प्रस्ताव को मेश्राम साहब ने स्वीकारा और उन्होंने 1984 में नौकरी छोड़ी और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो किसी भी काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाता है। यह छात्रावास है, यहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोगों का गोल होगा कि मुझे ये बनना है, सिर्फ अच्छा हेतु रखने से सही काम नहीं होता। जीवन में अगर सही काम करना है तो प्लानिंग कन्वर्ट इन टू एक्शन, प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद निर्धारित किया 1984 में कि मैं एक दिन एक रात बेवजह एक जगह पर नहीं रुकूंगा और निरंतर चलते रहे। रेलवे में चले, बस में चले, टोटो में घूमे, धर्मशालाओं में रहकर जिंदगी बिताई, रेलवे स्टेशन पर रहकर जिंदगी बिताई, चने फुटाने खाकर अपने दिन काटे, जो आप क्या बोलते, झाल मुड़े या कुछ तो भी बोलते बंगाल में, सार्वजनिक शौचालय में नहाना धोना करकर अपनी जिंदगी बिताई, आज इस संगठन को 31 राज्य का संगठन बनाया। 84 में 13 राज्य का था, आज 31 राज्य का संगठन है। 550 जिला में हमारे यूनिट्स है, करीबन 4500 तहसील में हमारे यूनिट्स है, भारत में 55,000 ब्लॉक है, उनमें से 22,000 ब्लॉक में हमारे यूनिट्स कार्यरत है और भारत में 7,20,000 गांव है, आज 2,50,000 गांव में हमारे यूनिट्स कार्यरत है और 2014 से करीबन 3,50,000 गांव तक हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है। इतना बड़ा संगठन इस मूल निवासी बहुजन समाज में वामन मेश्राम साहब ने बनाया।
उन्होंने पहला निर्णय, दूसरा निर्णय लिया कि हमारी समस्या जो है वो देशव्यापी है, राष्ट्रव्यापी समस्या है, तो हमारा संगठन भी राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। समस्या सिर्फ बंगाल की नहीं है या बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की नहीं है, समस्या भारत के तमाम राज्यों की है। और समस्या अलग नहीं है, समस्या भी एक है। जैसे उदाहरण के लिए 1990 में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो इससे बंगाल का सत्यानाश होने वाला है और बाकी के लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं। अगर रिजर्वेशन खत्म हो रहा है तो बंगाल के एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन बचा रहेगा और बाकी के राज्य का खत्म होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिजर्वेशन पूरे देश में समाप्त हो रहा है। अगर एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, जितने भी सरकारी संस्था है जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर जिसे कहते, वो बेचे जा रहे, वो प्राइवेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन है, प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं है, तो वो पूरे भारत में हो रहे। सेज अगर लागू हुआ तो पूरे भारत में हुआ। भूमि अधिग्रहण का कानून बना तो पूरे भारत में बना। अगर एनआरसी लागू होगी तो पूरे भारत में होगी। एनपीआर होगा तो पूरे भारत में होगा। अगर बेरोजगारी समस्या है तो पूरे भारत में है। भुखमरी समस्या है तो पूरे भारत में। नक्सलवाद अगर समस्या है तो पूरे भारत में। आतंकवाद अगर समस्या है तो पूरे भारत में। समस्याएं हजारों है, हजारों समस्याओं का चर्चा करने जाएंगे तो हमारे पास समय नहीं रहेगा, समय कम पड़ेगा। जो बातें बताई जा रही, तो समस्या तो देशव्यापी है। अगर समस्या देशव्यापी है और आपका समाधान जिला व्यापी रहेगा तो देशव्यापी समस्या का समाधान कैसे करोगे? गटर जो है ऊपर से ओवरफ्लो हुआ है और हम लोग एक एक जिला में मट्टी का बांध बांधेंगे पानी को रोकने के लिए, समाधान तो नहीं होगा। इसलिए मेश्राम साहब ने निर्णय लिया कि हमारे समाज की जो समस्या है वो देशव्यापी है, तो हमें देशव्यापी राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। तो देशव्यापी राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने के दृष्टि से 42 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं। आज 2.5 लाख गांव का संगठन बना। दूसरा, उन्होंने निर्णय लिया कि यह समस्या सिर्फ एक जाति की नहीं है, तो भारत में 6,743 जातियां हैं। आदिवासियों में 800-850 जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट में करीबन 1700 जातियां हैं, ओबीसी में मंडल आयोग के अनुसार 3,743 जातियां हैं, और कुछ जातियां जो एससी एसटी ओबीसी से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनमें कुछ जातियां चली गई। ऐसे भारत में करीबन 6,743 जातियां हैं। तो समस्या एक जाति की तो है नहीं, समस्या पूरे भारत की है, तमाम जातियों की समस्या है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि यह संगठन किसी एक जाति का संगठन नहीं होगा, तो भारत के तमाम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को साथ में लेकर यह आंदोलन चलाना होगा। आज 42 इयर्स में बामसेप में 3600 जाति के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने निर्णय अपने जीवन में लिया, आज हमारे समाज की अगर जो सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है लैक ऑफ लीडरशिप। समाज जिनको अपना नेता मानता है, समाज जिनको अपना नेता मानता है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये पूना पैक्ट की वजह से दलाल पैदा हुए, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदूज, टूल्स ऑफ द कास्ट हिंदूज, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज। भारत की व्यवस्था को जानना और समझना है तो 3 किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। एक, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। दूसरा, गांधी इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल। और तीसरा, स्टेट एंड माइनॉरिटी। ये 3 ही किताबें पढ़िए, पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी कि देश में क्या परिस्थिति है।
यानी समाज व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है और समाज व्यवस्था के हम पार्ट एंड पार्सल है। अगर जाति व्यवस्था को समझना है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, जाति प्रथा उन्मूलन, जो बाबा साहब अम्बेडकर की पहली किताब थी, एक्चुअली वो भाषण था, किताब के रूप में छपवाया। तो साथियों, हमें 6743 जातियों को जोड़ना होगा। अगर 6743 जातियों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक संचय शक्ति का निर्माण होगा और उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग हम लोग हमारी आजादी हासिल करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। कल तक वामन मेश्राम साहब को कह रहे थे लोग कि ये अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई एक पद है जिसकी वैकेंसी निकलती है न्यूज़पेपर में, एनी ग्रेजुएट, एनी पीजी, कोई भी अप्लाई करो, ऐसी तो कोई पोस्ट है नहीं। ये कमिटमेंट का मामला है, जिसका जितना कमिटमेंट होता है उसकी उतनी जिम्मेदारी होती है। हमारे लोग कमिटमेंट करते नहीं, 8 दिन घर के बाहर रहना तो होता नहीं, बीवी बच्चे से दूर रहना होता नहीं, माँ बाप से दूर रहना होता नहीं, लेकिन हमारे लोग बोलते रहते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मामला है, ये कमिटमेंट का मामला है। जिनका जितना कमिटमेंट होता है, जितना त्याग और समर्पण होता है, उतनी उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदारी होती है। तो कल तक मेश्राम साहब के ऊपर लोग इस प्रकार से आरोप लगाते थे, मेश्राम साहब ने प्लान बनाया कि मेरे जीते जी ये वामसेफ नाम का संगठन समाप्त नहीं होना चाहिए, इसीलिए आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने वामसेफ के द्वारा 85 ऑफशूट विंग बनाए, ऑफशूट विंग ब्रांचेस। विद्यार्थी युवा नौजवानों के लिए 6 विंग बनाई, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, ये लड़कियों का संगठन है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, जो हमारे पीएचडी के जो छात्र है, ऐसी 6 विंग बनाई जिसका मैं नेशनल इंचार्ज हूं, पूरे देश भर में घूमते रहता हूं छात्र नौजवानों का संगठन खड़ा करने के लिए। ये 6 विंग बनाई, ये 6 विंग का ऑब्जेक्टिव है कि आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना। जिन जिन महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए, वो आंदोलन उनके पीढ़ी में ही समाप्त हो गए। जिन जिन महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए, वो आंदोलन उनके पीढ़ी में ही समाप्त हो गए। इसीलिए आंदोलन को अगर नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना है, तो जो समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, लैक ऑफ लीडरशिप की, उस समस्या का समाधान करना पड़ेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व निर्माण करना पड़ेगा। हर जाति में लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी, हर गांव देहात में लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी। साथियों, समाज जिनको अपना नेता मानता है, बाबा साहब ने कहा कि ये पुना पैक्ट से दलाल पैदा हुए, और मैं आज भी कहता हूं, अगर तथागत बुद्धा के बाद अगर भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई तो उसका एक ही कारण है, हर जाति में दलाल पैदा हुए, हर जाति में दलाल पैदा किए गए ताकि चुनाव के दौरान वो उस जाति को मैनेज कर सके। आज हमारी किसी भी समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है तो उसका एक में कारण है कि हर जाति जाति में दलाल पैदा किए। दलाल को दलाल बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको लाल पैदा करना पड़ेगा, और जब टकराव होगा लाल और दलाल का, तो निश्चित जीत लाल की होगी। साथियों, जिनको समाज अपना नेता मानता है, आज उनकी उम्र 60 के ऊपर है, आप अंदाजा लगाइए। मायावती जी की उम्र 60 के ऊपर है,
मुलायम सिंह जी की उम्र 60 के ऊपर है, नीतीश कुमार जी की उम्र 60 के ऊपर है, जीताराम मांझी जी की उम्र 60 के ऊपर है, लालू प्रसाद यादव जी की उम्र 60 के ऊपर है, शुभ सोरेन झारखंड के, अर्जुन मुंडा 60 के ऊपर है, गुजरात में छोटू भाई वसावा है 60 के ऊपर है, महाराष्ट्र में शरद पवार 60 के ऊपर, रामदास अठवले, प्रकाश आंबेडकर 60 के ऊपर, और ये 10 साल बाद मरने के कगार पर आने वाले हैं। आप लोग कितना जानते पता नहीं, लेकिन मेरे 32 स्टेट में कार्यक्रम हुए, 322 जिला में कार्यक्रम हुए। YouTube पर जाओगे तो बहुत सारे शेपांसो स्पीचेस आपको मिलेंगे, अलग अलग क्षेत्र में स्पीचेस हुए। 2006 से मैं ये काम कर रहा हूं पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर, आज मुझे 15 ईयर्स हो रहे, मैं इनके बेटों की औकात जानता हूं। ये जितने भी नेता है ना, उनके बेटों की औकात जानता हूं। राज्य ठीक से संभाल नहीं पाते, देश कहां से संभालेंगे? कोई ट्रेनिंग है उनके पास? कोई संगठन चलाने का ट्रेनिंग है? कोई पार्टी चलाने का ट्रेनिंग है? जितने भी नेताओं के नाम लिए वो 60 के ऊपर है, 10 साल में समाज में लैक ऑफ लीडरशिप की खाई निर्माण होगी, बहुत बड़ी गैप निर्माण होगी, इसको पूरा कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो आरएसएस है, एबीवीपी है, एनएसयूआई है, एसएफआई है, और ये क्या हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संगठन है? नहीं है, ये अपर कास्ट लोगों के। अगर वो मजबूत हो गए तो कल्याण विकास उनका होगा, हमारा थोड़ी होगा। आज बीजेपी में जितने भी नेता है सारे एबीवीपी से गए हुए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एबीवीपी के पहले कार्यकर्ता थे। आरएसएस जब निर्माण हुई, आरएसएस ने सबसे पहला संगठन बनाया एबीवीपी। छात्र का संगठन कितना इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस के जितने भी नेता है वो सारे के सारे एनएसयूआई से गए हुए हैं, और कम्युनिस्ट के जितने भी नेता है सारे एसएफआई और एआईएसएफ से गए हुए हैं। छात्र लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, वो लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, उनको स्पॉटिंग करते, तैयार करते, फिर पॉलिटिक्स में उनको प्रोवाइड किया जाता है। साथियों, 10 साल बाद हमारे समाज में बहुत बड़ी गैप, बहुत बड़ी खाई, लीडरशिप की खाई निर्माण होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया, अगर 20 साल का नौजवान अगर इस आंदोलन में अगर 10 साल इन्वेस्ट करता है तो ज्यादा ज्यादा उसकी उम्र 30 साल की होगी। अगर 25 साल का नौजवान अगर इस आंदोलन में इन्वेस्ट करता है अपने 10 साल जिंदगी के, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 35 साल की होगी। अगर 30 साल का नौजवान अगर ज्यादा से ज्यादा अपने 10 साल अगर इस जिंदगी के 10 साल अगर इस आंदोलन में इन्वेस्ट किए, तो 10 साल बाद उसकी उम्र 40 साल की होगी। बूढ़ा भी नहीं होगा, भरी जवानी में देश चलाने लायक बन सकते हैं हमारे लोग। और ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये हुआ है। जूते चप्पल सिलाने वाले लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो सिंहासन पर बैठेंगे। बैठे या नहीं? उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अभी उनकी विचारधारा भ्रष्ट हो गई, बात अलग है। उनका उद्देश्य चेंज हुआ, बात अलग है। उनकी विचारधारा भ्रष्ट हुई, उनका उद्देश्य चेंज हुआ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया, बात अलग है। लेकिन जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे, जिनका मनोबल गिरा हुआ था कि जूते चप्पल सिलाना यही हमारा कार्य है, ये जो जिनका मनोबल गिरा हुआ था, संविधान ने उनका मनोबल बढ़ा दिया और जूते चप्पल सिलाने वाले लोगों को इस विचारधारा ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। कल्पना, ये हवा में कोई भी बात नहीं करते हम लोग। इस विचारधारा ने संविधान का निर्माण किया, हमारे महापुरुषों ने, पुरखों ने आंदोलन चलाया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले
हरिचांद जी, गुरुचांद जी ठाकुर, छत्रपति शाह महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर। अगर बाबा साहब को छोड़ दिया जाए तो कोई ग्रेजुएट था क्या? कोई बारहवीं पढ़ा लिखा था? हरिचांद जी कितने पढ़े थे कोई बताएगा मुझे? कितने पढ़े थे हरिचांद जी? गुरुचांद जी पढ़े थे, हरिचांद जी पढ़े लिखे नहीं थे। अनपढ़ लोगों ने आंदोलन चलाया और पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ। अनपढ़ों ने चलाया आंदोलन। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दुनिया के विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन जब आंदोलन चला रहे थे उनके आंदोलन में कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं था, कोई हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन वाला नहीं था, कोई फॉरेन एजुकेशन वाला नहीं था, अनपढ़ लोग थे। हमारे जितने भी महापुरुषों ने आंदोलन चलाए उनके आंदोलन में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। और दूसरी बात, जितने भी महापुरुषों ने आंदोलन चलाए वो घर के गरीब भी नहीं थे। एक सोच बनी हुई है, अरे गरीब है इस वजह से आंदोलन कर रहा होगा, अपने हक अधिकार की मांग कर रहा होगा। गरीब नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी रामजी अंबेडकर सूबेदार थे। ज्योतिराव फूले, फूलों का व्यापार था, 10 रुपये आमदनी थी। उस वक्त अंबानी की 1 रुपये आमदनी थी, कोई औकात नहीं थी। कोई भी महापुरुष गरीब नहीं थे। अगर हरिचांद जी, गुरुचांद जी ठाकुर गरीब होते तो बंगाल में 1800 से ज्यादा स्कूल निर्माण नहीं करते। गरीब नहीं थे। अगर गरीब होते महापुरुष और इसी वजह से आंदोलन चलाया गरीबी को खत्म करने के लिए, तो फिर कोई मोर्चा क्यों नहीं निकाला गरीबी के विरोध में? कोई आंदोलन क्यों नहीं किया गरीबी के विरोध में? 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में नेता नहीं था, कर्मचारी नहीं था, छात्र नहीं था। यह संविधान की बदौलत निर्माण हुआ। 50 के पहले मनुस्मृति नाम का धर्म ग्रंथ था और उसमें हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। नहीं था। ये अधिकार नहीं थे। जब ब्राह्मणों के बाप जादो ने जब मनुस्मृति लिखी, उस धर्म ग्रंथ में हम लोगों को अधिकार नहीं दिया, लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया तो ब्राह्मणों को भी अधिकार दिया। यह अधिकार पहले नहीं था। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं पीजी का स्टूडेंट हूं, अगर मेरा दादा ग्रेजुएट होता तो मैं आपके उत्तर दिनाजपुर आता क्या? और मेरे दादा का बाप अगर 12वीं पढ़ा लिखा होता तो? अच्छा सर, मैं बात सुनना था आप। नहीं नहीं नहीं, कार्यक्रम होने के बाद मैं इधर ही हुआ। आपको जितने सवाल पूछना है उतने पूछना है, 100 सवाल पूछो, रात हो जाएगी तो भी चलेगा। तो ये अधिकार पहले नहीं थे, ये अधिकार संविधान ने हम लोगों को दिए। और जब संविधान में हम लोगों को रिजर्वेशन इन एजुकेशन मिला, रिजर्वेशन इन सर्विसेज मिला, रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिला, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स मिला, ये अधिकार उस वक्त नहीं थे, ये अभी मिले। जिसकी बदौलत हमारे समाज में पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ। पढ़ा लिखा वर्ग 26 जनवरी 1950 में संविधान भारत में लागू हुआ। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है 2.25 लाख गांव में स्कूल नहीं, भारत में 7,20,000 गांव है। आप अंदाजा लगाइए 1950 में कितने गांवों में स्कूल थी, अंदाजा लगाइए कितने गांव में स्कूल होगी। अभी अगर 2.25 लाख गांव में स्कूल नहीं, 75,000 गांव में स्कूल पेड़ के नीचे भर्ती है, जहां पे जानवर बांधे जाते हैं वहां पर भर्ती है, इमारत गवर्नमेंट की नहीं है। 50,000 गांव में एक ही टीचर है। और राइट टू एजुकेशन जो 2009 में लागू हुआ, उसमें कानून बनाया जिस स्कूल की संख्या छात्रों की 20 से कम होगी वो स्कूल बंद होगी।
गवर्नमेंट स्कूलें बंद हो रही है, गवर्नमेंट बंद होगी तब ना प्राइवेट स्कूलें शुरू होगी। साथियों, जो अधिकार हम लोगों को 50 के पहले नहीं थे वो अधिकार मिले, और 1970 के दशक में आजाद भारत की पहली बैच ग्रेजुएट होकर बाहर आई। 51 में किसी ने तो भी एडमिशन लिया होगा, अधिकार मिला तो 12 साल बाद 12वीं पास हुआ, 51 में 12 प्लस कर दो 1963, फिर ग्रेजुएशन के 3 साल प्लस कर दो 66, फिर आईएएस बना होगा, आईपीएस बना होगा, आईएफएस बना होगा। 70 के दशक में पहली बैच पढ़कर बाहर आई, 80 के दशक में हमारे लोगों को नौकरियां लगना शुरू हुई, और दूसरे पीढ़ी को रोकने के लिए 90 में एलपीजी आई। जिनको ये अधिकार मिले, एजुकेशन मिला जिसकी वजह से नौकरी मिली, नौकरी की वजह से संपत्ति आई, संपत्ति की वजह से हम लोग अपने बंगले बांधे, मकान बांधे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगे। ये जो अधिकार मिले, ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को, वो बुद्धिमान है इस वजह से नहीं मिले, वो रात दिन मेहनत किया इस वजह से अधिकार नहीं मिले, वो मेरिट में आया इस वजह से अधिकार नहीं मिले। किसी भी व्यक्ति के नाम पर संविधान में कोई अधिकार लिखा हुआ नहीं है, अधिकार लिखा हुआ है सोसाइटी के नाम पर, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए है नहीं, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, आर्टिकल 342 आदिवासी के लिए। और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बने, उनके लिए आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया। यह सोसाइटी के नाम पर है, पहले बाप दादा को नहीं था, हमको मिला सोसाइटी के नाम पर, रिजर्वेशन एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर, रिजर्वेशन इन सर्विसेज सोसाइटी के नाम पर, प्रमोशन सोसाइटी के नाम पर, पॉलिटिक्स का अधिकार सोसाइटी के नाम पर मिला, समाज के नाम पर लगाया परिवार के लिए, मिला समाज के नाम पर लगाया परिवार के लिए, कितना लगाया 100%। इस वजह से क्या हुआ कि जो अधिकार हमको मिले उस अधिकार को हम लोग बचाकर नहीं रख पाए, जो अधिकार हमको मिले वो अधिकार हम लोगों ने बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। क्योंकि जितनी भी बातें हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये गांव के अनपढ़ अशिक्षित लोगों को समझ में आने वाली नहीं है, उनको एलपीजी का एल कहां से समझ में आएगा, एजुकेशन ही नहीं, तो ये समझ में आता है पढ़े लिखे लोगों को। तो 50 के पहले नेता नहीं था, नेता निर्माण हुआ आर्टिकल 330-332, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, आज वो पार्टी हाईकमांड का गुलाम है। SC ST के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते और 1250 विधायक चुनकर जाते, फिर भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं है SC ST का। OBC के करीबन 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते ऑल इंडिया में, रिजर्व सीट से नहीं, ऑल इंडिया से पार्टी टिकट देती है, चुनकर जाते हैं। OBC की अभी तक जाति आधारित गिनती हुई नहीं, जानवरों की करते हैं, OBC की नहीं हुई। जो कर्मचारी निर्माण हुआ वो परिवार में मदमस्त है, उनको पूछो चलिए थोड़ा समाज का काम करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, समय नहीं है। सर्टिफिकेट समाज के जोड़े, सर्टिफिकेट नौकरी के लिए समाज के जोड़े, अधिकार समाज के नाम पर लिया। कोई कोई बोलता है मैं रिजर्वेशन से थोड़ी लगा, मेरे काबिलियत से लगा। अच्छा, तो ये एजुकेशन जो आपको मिला ये कैसे मिला, आपकी ही काबिलियत पर मिला एजुकेशन, एजुकेशन के बदौलत काबिलियत बनी ना आपकी। कोई कोई क्या बोलता है, मैं रिजर्वेशन से थोड़ी लगा, मैं तो ओपन में फाइट किया। अच्छा, तो एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर जो पढ़ते आए वो कहां से मिला, ये मिला तब ना तेरी काबिलियत बनी, तब ना मेरिट में आया, ये भी तो नहीं था बाप जादा को, ये हमको मिला। जो क्रीम क्लास हमारे सोसाइटी में निर्माण हुआ
वो क्रीम क्लास की जिम्मेदारी थी, कम से कम इतना भी काम करते कि जिस गांव में पैदा हुए, जिस मोहल्ले में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, अगर हफ्ते में एक संडे अगर अपने गांव, जाति, समाज, मोहल्ले में जाकर सिर्फ इतना ही बताते कि मैं ग्रेजुएट कैसे हुआ, मैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कैसे बना, अगर कोई क्लास वन अधिकारी बना तो वो इतना ही बोलता कि मैं क्लास वन अधिकारी कैसे बना, कौन सा स्टडी किया, कितना किया, कौन से किताबें पढ़े, इतना ही अगर बोलते तो हमारे सोसाइटी के बच्चे मोटिवेट हो जाते। क्या ये भी काम हम लोगों ने किया? चलो समाज का काम नहीं किया, ओके, चलो अधिकार को नहीं बचाने का प्रयास किया, ओके, लेकिन क्या हम लोगों ने जिस महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत ये सारे अधिकार मिले तो क्या हम लोग सोसाइटी के लिए मोटिवेटर तो भी बने? नहीं बने। इस वजह से आने वाली पीढ़ी मोटिवेट नहीं हुई, एजुकेशन नहीं ले पाई। एक तो दुश्मन एजुकेशन खत्म कर रहा है और दूसरा हम लोगों ने कोई अपने आप से प्रयास नहीं किया। तो जिनको नौकरी मिली उनके परिवार का तो अच्छा हो गया, जिनको नौकरी मिली अब उनके परिवार की कोई टेंशन है? आप नौकरी पर है तो आपके परिवार की कोई चिंता है? दो समय का तो सही मिल रहा है ना, लेकिन लाखों करोड़ों लोग हमारे सोसाइटी के ऐसे जो दो वक्त के खाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा बुद्धिजीवी लोगों को कि ये बुद्धिजीवी ऐसे ही तैयार नहीं हुआ, आंदोलन संघर्ष की बदौलत निर्माण हुआ, संविधान की बदौलत निर्माण हुआ, तो पे बैक टू सोसाइटी करो। इसलिए बामसेफ कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन लाखों कर्मचारी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। उसका एक ही कारण है कि यह कर्जा है हमारे महापुरुषों का हमारे ऊपर, यह कर्जा है हमारे सोसाइटी का हमारे ऊपर। इसलिए हमको जितना मिला उनमें से कुछ परसेंट हम लोग सोसाइटी को देते हैं। इसलिए साथियों ये बातें आप लोगों को मैं बता रहा था कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो नेतृत्व का अभाव। अगर हम लोग 10 साल अगर इस आंदोलन में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं और इससे हर जाति में, हर क्षेत्र में लीडरशिप निर्माण होगी। आज वामन मेश्राम साहब की उम्र भी 64 ईयर्स है, 64 साल की उम्र है। ज्यादा से ज्यादा आदमी 65-70 साल तक भागदौड़ करता है, अभी 64 है। हमें किसी भी परिस्थिति में यह आंदोलन 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा करना होगा, 6000 जाति को जोड़ना होगा और हर जाति जमात में नेतृत्व निर्माण करना होगा। ये एकमात्र विकल्प अभी हमारे पास बचा हुआ है। हजारों समस्या है, हजारों समस्या का समाधान चाहते हो तो उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी और एक एक समस्या को हाथ में लेना पड़ेगा। इंसान को अक्कल आने के लिए 25 साल लगते हैं, जब वो पैदा होता है ना, समझ आने के लिए 25 साल लगते हैं। अब बेरोजगारी समस्या है, चलो मैंने हाथ में ली, संगठन बनाया, मुझे तो समझ आने के लिए मेरे तो 25 साल चले गए ना। फिर 25 साल बाद कोई भी इंसान काम शुरू करता है और समाज में 30-35 साल काम करता है, फिर उसकी उम्र 65-70 साल की हो जाती है, मर जाता है, फिर कोई महापुरुष पैदा होता है, फिर उसको समझ आने के लिए 25 साल निकल जाते हैं, फिर वो 30-35 साल काम करता है, फिर मर जाता है, फिर कोई महापुरुष पैदा होता है। यह अवसर है हमारे पास कि हम लोग 6 लाख गांव का संगठन बना सकते हैं। आगे यह अवसर भी हम लोगों को नहीं मिलेगा। दुश्मन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है, सारे स्रोत हमारे खत्म कर रहा है। लॉकडाउन का बेनिफिट जितना हम लोगों ने नहीं उठाया उतना दुश्मन ने उठाया और लॉकडाउन में ही ऐसे कानून उन्होंने बनाए, आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, मजदूर के फेवर के जो 27 लॉ थे खत्म कर दिए, छात्र परेशान है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाई कि जिससे हमारे छात्र में मेरिट डेवलप नहीं होगा।
बहुत सारी समस्या है। अगर हजारों समस्या का समाधान चाहते हो और समस्या के ऊपर अगर काम करना चाहते हो तो समस्या की लिस्ट बना छोड़, लेकिन ऐसा अगर काम किया जाए कि जिससे हजारों समस्या का समाधान हो तो ऐसा परिणाम है कारण नहीं है। सारी परिणाम है कारण नहीं है, क्यों है? इसके लिए एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि हम लोग क्या काम करना चाहते हैं। मान लीजिए एक गटर है, टैंक गंदगी का, और वो ओवरफ्लो हुआ है और गंदा पानी बाहर आया है, तो कोई व्यक्ति सोचेगा वो मेरे घर में नहीं आना चाहिए, इसलिए मट्टी का बांध बांधेगा। आप मट्टी का बांध बांधो कि सीमेंट का बांध बांधो, पानी में एक गुण होता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है, तो वो दूसरे की तरफ जाएगा, दूसरा भी मट्टी का बांध बांधेगा, फिर वो तीसरे की तरफ जाएगा, तीसरा भी मट्टी का बांध बांधेगा। समस्या कहां पर है? गटर में। समाधान कहां पर कर रहे? मट्टी का बांध बांध कर। साथियों, हम लोग मट्टी का बांध बांधने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम गटर को बदलना चाहते जिससे गंदा पानी बाहर आ रहा है। बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी, रिजर्वेशन समाप्त, नौकरियां समाप्त, हम गटर को बदलना चाहते हैं। और ये बदलने के लिए कोई हमारे साथ आए या ना आए, ये कल आंदोलन होने वाला नहीं है, पेशेंस रखना होगा। ये कल आंदोलन होने वाला नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आंदोलन चलाने के लिए संख्या बल की जरूरत नहीं होती, दुनिया का कोई भी आंदोलन संख्या बल पर नहीं चलता, कमिटमेंट पर चलता है, लेकिन आंदोलन करने के लिए संख्या की जरूरत होती है। दुनिया का कोई भी आंदोलन संख्या बल पर नहीं चलता, कमिटमेंट पर चलता है। तो हम लोग गटर को बदलना चाहते हैं। जो लोग गटर को बदलने के अभियान में इंटरेस्टेड है उनको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है और मट्टी का बांध बांधना चाहते हैं तो उनका वेट करेंगे। ये हफ्ते वेट करेंगे, अगले हफ्ते वेट करेंगे, वेट करेंगे, अगले साल वेट करेंगे, 10 साल बाद भी आना चाहे तो भी वेट करेंगे, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, संख्या में ज्यादा है, हमारी संख्या ज्यादा है। हजारों साल से ये सॉफ्टवेयर बिगड़ा हुआ है, तो वो एक मीटिंग में या एक प्रोग्राम में खत्म होने वाला नहीं है, तो थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे। लेकिन ये अभियान है गटर को बदलने का। गटर मतलब इस देश की सिस्टम, इस देश की व्यवस्था, बहुत सारी उसमें चीजें है, सोशल सिस्टम है, देश को चलाने की व्यवस्था है, बेनिफिशियरी ऑफ द सोशल सिस्टम है, विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मैं 6 महीने आपके बंगाल में हूँ। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान बना रहे हैं कि उत्तर दिनाजपुर में एक 1 डे ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए, उसमें सिस्टम, देश कैसे चलता है, समाज व्यवस्था कैसे चलती है, क्या पार्ट है उसके, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग देखेंगे। आज के मीटिंग में मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि एक गटर को बदलने का अभियान है, हम मट्टी का बांध बांधने में इंटरेस्टेड नहीं है। धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। अब इसके बाद में जो बातें मैंने कही उसके ऊपर अगर कोई सवाल है तो पूछना है। जो बातें मैंने कही उसका जवाब दे ही मैं हूं, ठीक है? ओके, थैंक यू। करो यदि कोई प्रश्न थके।